हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, खुश रहो, हैप्पी रहो। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कटहल की रेसिपी शेयर की है, जो बहुत ही टेस्टी, देखने में ही आपको लग रहा होगा ना, बहुत ही टेस्टी, यमी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने रेसिपी शेयर की है। इसके लिए जो नॉर्मल घर में सब्जियां होती हैं वो ही हैं, कोई अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया। कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है और तेल गरम हो गया है, उसमें कड़ी पत्ते डाल दिए, जीरे डाल दिए, उसके बाद हरी मिर्ची डालूंगी और फिर मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के रख लिया है, ये देखिए। और ये मैंने नॉर्मल साइज के दो प्याज लिए हैं और नॉर्मल साइज के दो टमाटर लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं प्याज डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी जिससे हमारी प्याज जल ना जाए, क्योंकि क्या होता है ना, अदरक का पेस्ट भी डल जाता है साथ में, तो प्याज बहुत जल्दी जल्दी जलने, मतलब चिपकने लगती है कढ़ाई में। और फिर मैंने नमक ऐड कर देती हूँ जिससे ना नमक प्याज को जल्दी से, मतलब उसका जो पानी होता है ना, उसको सोख लेता है और प्याज जल्दी से सिक जाती है। तो बस फिर मेरी प्याज हो गई है, रेड रेड हो गई है, मतलब पिंकिस टाइप का कलर हो जाता है। तो बस फिर मैं उसमें लाल मिर्ची, धनिया और हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। फिर इसको अच्छे से चलाते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही थोड़ा सा सेकते हैं, मुश्किल से 8-10 सेकेंड बस सिर्फ सेकेंगे, जिससे क्या होता है, फिर इसके बाद हमें ना तुरंत जो टमाटर की, मतलब टमाटर पीस के रखते हैं ना, उसको डाल देते हैं। फिर हम इसको अच्छे से चलाते हैं, सेकते हैं। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी जो सब्जी का कलर होता है ना, वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा दिखता है। मतलब क्योंकि क्या होता है, जो रेड मिर्ची होती है ना, वो एकदम जब सूखी सूखी हम उसमें सेक लेते हैं ना तेल में, तो उससे कलर एकदम निकल के आता है। और फिर मैं ना गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, उसके बाद हम अपनी ग्रेवी को अच्छे से चलाते रहेंगे। और फिर जब ये ना तेल निकलने लगेगा इसमें, ये देखिए तेल छोड़ने लगा ना, तो अब ये तेल छोड़ने लगा है, तो मैंने ना ये कटहल है, कटहल को मैंने ऑयल में फ्राई करके रखा था फ्रेंड्स। और अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते, तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं या स्टीम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको तल के रखा था कटहल को, तो ये तला हुआ कटहल है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और मुझे ना हल्की सी ग्रेवी वाला बनाना है इसको, बिल्कुल नॉर्मल ग्रेवी, जिससे ना राइस में भी हम खा सकें। तो पहले तो मैं इसमें अच्छे से पानी डाल देती हूँ, फिर इसको ना बहुत, मतलब अच्छे से तेज आंच में उसको अलटती पलटती रहूंगी, चलाती रहूंगी, जिससे ना इसका पानी पूरा सूख जाएगा और ये ना सूखी सब्जी बनेगी, मतलब नॉर्मल जैसे अपन राइस में खा सकते हैं, ऐसी सब्जी बनेगी। और फ्रेंड्स ये देखिए, मेरी सब्जी का कलर बहुत ही टेस्टी आया और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड्स, और अपनी फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करें। ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी हुई थी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है फ्रेंड्स मैंने। आप भी इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स।